हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकु मम्मा। आज मैं आपके लिए जो एक्टिविटीज़ लाई हूँ वो नर्सरी के बच्चों के लिए प्ले वे या फिर किंडरगार्टन के बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ आप अपने बच्चों से करवा सकते हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ बेसिकली बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत यूज़फुल हैं, जो आप अपने बच्चों से करवा सकते हैं। उन्हें बहुत मज़ा आएगा और वो अपना इसमें बहुत दिमाग भी खर्च करेंगे। बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ ज़रूर करानी चाहिए जिससे कि उनका माइंड बहुत शार्प होता है। बेसिकली ये सारी एक्टिविटीज़ हैं कि जो सिर्फ बच्चे कलर्स के साथ खेलेंगे, इनमें सिर्फ कलर्स के साथ बच्चों को खेलना है। तो आइए ये सारी एक्टिविटीज़ हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी इज एडिशन। इसमें मैंने कुछ स्टार्स बना दिए हैं, प्लस का साइन है, कुछ और स्टार्स बना दिए हैं। इसमें बच्चों को क्या करना है, स्टार्स को ऐड करना है कि 3 स्टार्स हैं उनमें 2 स्टार्स आप। और इस तरह ये वाली एक्टिविटीज घर में जैसे बच्चों के कुछ टॉयज होते हैं उनकी हेल्प से भी बच्चों के कुछ इस तरह के आप एक्टिविटीज करवा सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। जैसे कि आप कलर्स ले लीजिए, आपने 3 कलर्स रखे हैं, पहले बच्चा काउंट करेगा 1 2 3, 3 कलर्स हैं, फिर उसमें आप 2 कलर्स और डाल दीजिए और फिर बच्चे से पूछिए कि अब कितने कलर्स हैं। तो अगर वो बता पा रहे हैं कि ये 5 कलर्स हैं तो बॉक्स में उन्हें 5 लिखना है। वैसे ही 2 मैंगोज हैं, उसमें 1 मैंगो हम और लगा देंगे तो कितने मैंगो हो जाएंगे, 3 मैंगो। सेम एज आप उन्हें बॉल्स दीजिए या फिर कोई भी ऐसा टॉय दीजिए आप उन्हें जो सिमिलर हो। ऐसे 3 बॉल्स हमने दे दी, एक तो बच्चा काउंट करेगा 1 2 3, अब हम उसमें एक बॉल और ऐड कर देंगे तो फिर बच्चा उससे काउंट करेगा 4, तो वो वहाँ पे 4 लिखेगा। वैसे ही मैंने यहाँ पे कुछ आइसक्रीम कोन बना दी है, तो ये वाली एक्टिविटी भी ऐसे ही करनी है। नेक्स्ट एक्टिविटी इज मैच द बलून्स विद द सेम कलर। इसमें इस कलर से यहाँ पे बलून्स बना दिए हैं सारे और यहाँ पे मैंने वो कलर्स ऊपर नीचे कर दिए हैं। तो इसमें बच्चे को क्या करना है, इसमें बच्चा कॉन्सेंट्रेट करेगा और देखेगा कि मैंने इसीलिए सारे बलून्स ही बनाए हैं यहाँ पे विद द सेम कलर्स। मैंने यहाँ पे सारे बलून्स बनाए हैं और वो सेम कलर्स के हैं, बस इस साइड मैंने उन्हें ऊपर नीचे कर दिया है। इससे बच्चा कॉन्सेंट्रेट करेगा, ये ग्रीन कलर का है तो मुझे पहले वो ग्रीन फाइंड करेगा। इससे क्या होगा कि बच्चों को कलर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये ग्रीन कलर है तो वो इस ग्रीन कलर से मैच करेगा, ब्लू कलर है तो वो पहले देखेगा कि ब्लू कलर कहाँ पे है, ब्लू कलर ये है तो वो इससे मैच करेगा, रेड कलर ये है तो वो रेड कलर से मैच करेगा। तो इससे बच्चों का जो है वो ब्रेन बहुत स्ट्रांग होता है, ब्रेन बहुत शार्प होता है इस एक्टिविटी से कि वो कॉन्सेंट्रेट करेगा कि इधर बलून है इस कलर्स के, सेम कलर्स के बलून इधर भी है, बस उन्हें ढूंढना है और उससे उसे मैच करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी इज रिकॉग्नाइज काउंट एंड राइट। इसमें आप इस एक्टिविटी में 3 चीजें एक साथ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ शेप्स बना दिए हैं, डिफरेंट शेप्स बना दिए हैं और मैंने यहाँ पे भी शेप्स बना दिए हैं, यहाँ पे मैंने बॉक्सेस बना दिए हैं। इसमें क्या करना है कि बच्चा पहले रिकॉग्नाइज करेगा, सर्कल है, ट्रायंगल है, स्टार है, हर्ट है, पहले ये सारे शेप्स को वो रिकॉग्नाइज करेगा। फिर क्या करना है, इसमें काउंट करना है, ठीक है ना, इसमें वो काउंट करेगा कि शेप सर्कल कितने हैं, ट्रायंगल कितने हैं, स्टार्स कितने हैं, हर्ट कितने हैं। तो पहले वो यहाँ पे मैंने सर्कल का बॉक्स, सर्कल बनाया है और उसके सामने एक बॉक्स बना दिया है, तो बच्चा क्या करेगा, सबसे पहले वो सर्कल काउंट करेगा 1 2 3 4, 4 सर्कल है तो वो यहाँ पे 4 लिखेगा। नेक्स्ट इज ट्रायंगल, हाउ मेनी ट्रायंगल्स, 1 2 3 4, 4 ट्रायंगल्स हैं तो वो यहाँ पे ट्रायंगल के सामने इस बॉक्स में भी वो 4 लिखेगा। स्टार्स कितने हैं, 1 2 3, तो 3 स्टार्स हैं तो वो स्टार्स के सामने 3 लिखेगा। वैसे ही यहाँ पे हर्ट है तो वो हर्ट काउंट करेगा 1 2 2, हर्ट है इसमें तो वो यहाँ पे 2 लिखेगा।
इस एक्टिविटी से हम तीन काम करवा सकते हैं बच्चों से। पहला तो रिकॉग्नाइज करवा सकते हैं शेप्स को, फिर उन्हें काउंट करवा सकते हैं, और फिर उन्हें बॉक्सेस में राइट करवा सकते हैं। अगर आप इससे ज्यादा और एक्टिविटीज में करवाना चाहते हैं तो आप बच्चों से कलर्स भी करवा सकते हैं इसके अंदर, कि जो शेप जिससे मतलब उनकी आउटलाइन है वो उससे वो अंदर फिल करें। जैसे कि ये पिंक है तो पिंक से वो फिल करें, ऑरेंज है तो ऑरेंज से करें, ग्रीन है तो ग्रीन से करें। ठीक है, तो ये आप एक्टिविटी आप बच्चों से करवा सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी इज कॉन्सेंट्रेशन ऑन अल्फाबेट एंड कलर्स। इसमें बच्चे को कलर्स और अल्फाबेट्स दोनों पे कॉन्सेंट्रेट करना है। मैंने एक बॉक्स बनाया है, इसमें कुछ अल्फाबेट्स लिखे हैं, डिफरेंट कलर्स से लिखे हैं। उसके नीचे मैंने एक और बॉक्स बनाया है जिसमें मैंने सिर्फ बॉक्स बनाया है, इसमें कोई अल्फाबेट्स नहीं, कुछ कलर मैंने नहीं लिखे। इसमें सिर्फ बच्चों को ऊपर से नीचे कॉपी करना है, बिल्कुल सेम टू सेम। अगर बी रेड से है तो बच्चे को बी रेड से करना है, क्यू पिंक से है तो बच्चे को क्यू पिंक से करना है, सेम बॉक्स में लिखना है एज इट इज। बच्चे को बस नीचे इसे उतारना है। इस एक्टिविटी में अगर बच्चा अल्फाबेट्स पहचान रहा है, कलर्स पहचान रहा है, अगर वो रिकॉग्नाइज कर पा रहा है कलर्स और अल्फाबेट्स को, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर उसे थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी तो इस एक्टिविटी से उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इससे बच्चा कॉन्सेंट्रेट करेगा कि बी किस कलर से है, क्यू किस कलर से है, तो उसे उसी कलर से। कभी कभी होता है बच्चे बहुत जल्दी में रहते हैं, बी अगर रेड से लिखा है तो वो क्यू भी लिख दे, ए भी लिख देते हैं वो, फिर उन्हें याद आता है कि मैंने तो गलती कर दी। तो इससे क्या होगा कि बच्चे का ब्रेन डेवलप होगा, कॉन्सेंट्रेशन उसका, कॉन्सेंट्रेशन जो लेवल होगा वो उसका बढ़ेगा, इससे वो ध्यान देना सीखेगा। ठीक है ना, तो इस एक्टिविटी से आप ये प्रैक्टिस करवा सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी इज रिकॉग्नाइज एंड कलर देम। यहाँ पे मैंने कुछ शेप्स बनाए हुए हैं, मैंने उन्हें डिफरेंट कलर से कलर किया हुआ है। जैसे सर्कल है तो वो ब्लू कलर से है, ट्रायंगल है तो वो रेड कलर से है, स्क्वायर है तो वो ग्रीन कलर से मैंने कलर किया। तो बच्चा इसमें क्या करेगा, बच्चा शेप्स को फाइंड करेगा, फिर उन शेप्स में वो इससे क्या होता है ना, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि बच्चे का शेप्स के लिए जो कॉन्सेप्ट वो क्लियर है कि नहीं है। बच्चे को शेप्स पता है, इसके लिए बच्चे को शेप्स पता होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बच्चे को अगर शेप्स नहीं पता होगा तो वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, या फिर बच्चे को अगर कलर्स क्लियर नहीं है, बच्चे को कलर नहीं पता है कि दिस इज रेड कलर, दिस इज ग्रीन कलर, दिस इज ब्लू कलर, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें हमें क्या करवाना है कि यहाँ पे सर्कल ब्लू कलर से है, तो यहाँ पे जितने भी सर्कल हैं वो बच्चा किस कलर से करेगा, ब्लू कलर से करेगा। एक्टिविटी करवाना चाहते हैं अपने बच्चे के अकॉर्डिंग, उसे कितना पता है, वो कितना बड़ा है, तो उसमें क्या करवा सकते हैं, आप नीचे यहाँ पे सर्कल बना सकते हैं, ट्रायंगल बना सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं। ठीक है ना, उसके बच्चों को बोल सकते हैं कि जितने भी ट्रायंगल्स हैं उन्हें वो काउंट करे और वहाँ पे लिखे, जितने स्क्वायर है वो काउंट करे और लिखे, जितने ट्रायंगल्स हैं उन्हें वो काउंट करे और यहाँ पे ट्रायंगल के सामने राइट करे। ठीक है ना, तो इससे क्या हो जाएगा, काउंटिंग भी हो जाएगी, रिकॉग्निशन भी हो जाएगा और कलर्स भी हो जाएगा, और बच्चे को शेप्स और कलर का कॉन्सेप्ट भी एक बार क्लियर हो जाएगा। अगर उसे पता है तो रिवाइज हो जाएगा, नहीं पता है तो उसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह की इजी और इंटरटेनिंग एक्टिविटी आप घर पे ऐसे ही वर्कशीट के थ्रू बच्चों को बता सकते हैं। तो इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज डू लाइक।
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय लेटेस्ट वीडियो।